तो हमारा सबसे पहला अपडेट है ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड 2 के हिंदी डब से। तो ये तो बाहर आ चुका है और शायद आप सब ने देखा भी होगा। और इसमें सबसे ज्यादा जो ट्रोल किया जा रहा है और जिसको हेट मिल रहा है वो सिर्फ दो वॉइसेस है। पहला किड गोकू की हिंदी वॉइस और दूसरा किड वेजिटा की हिंदी वॉइस। इन दोनों वॉइसेस को ऑडियो मैजिक और क्रंचीरोल इंडिया ने मिलकर यार बर्बाद कर दिया है और फैंस इन दोनों वॉइसेस को बहुत ही ज्यादा हेट दे रहे हैं। यहां तक कि लोग यार स्क्रिप्टिंग के भी बारे में भी बोल रहे हैं कि भाई स्क्रिप्टिंग अच्छा नहीं किया गया है, कि गोकू जो वो डायलॉग्स मारता है जैसे कि जब मास्टर रोशी छोटा हो जाता है और गोकू के पास आता है कि हे बच्चे कैसे हो, तो वहां पर गोकू बोलता है हे टकले कौन हो तुम, मतलब ऐसे करके वो टकला बोल के उसका इंसल्ट करता है। लेकिन असल में आपको भी पता होगा कि गोकू किसी का भी इंसल्ट नहीं करता है। और अब आप बोलोगे अरे यार गोकू तो बच्चा बन गया है तो वो तो भाई ऐसे ही बोलेगा, लेकिन नहीं, वो बच्चा जरूर बन गया लेकिन उसका दिमाग अभी भी बड़ा जैसा है, वो अपना याददाश्त खोया नहीं है। आप इसको इस तरह से बोल सकते हो कि जैसे सिनिची कूडो डिटेक्टिव कोनन में छोटा हो जाता है लेकिन उसका दिमाग बड़ा ही रहता है, तो गोकू बड़ा ही है। यहां तक कि जब पिकलो को चोट लग जाता है, जब वो पेड़ पे टकरा जाता है और उसका खून निकलने लगता है, तो वहां पर गोकू बोलता है नारियल के पेड़ पे अपना नारियल फड़वा लिया, मतलब भाई वहां पिकलो का खून निकलता है और ये भाई ऐसा डायलॉग मारता है। तो इंग्लिश में आई डोंट थिंक कि ऐसा डायलॉग होगा, तो ये बहुत ही ज्यादा बेकार था। और ऊपर से मेन चीज ये है ना यार कि देखो गोकू का जो यार वॉइस है, किड गोकू का वॉइस, तो अगर आपने ड्रैगन बॉल 1986 देखा होगा तो श्रुति सिन्हा की वॉइस में जो एक इनोसेंस होता है, इनोसेंस भी होती है मासूमियत भी होती है। लेकिन यार जो नीलोफर मेडी खान है जिसने भाई डब किया है फिलहाल में गोकू को किड गोकू के लिए ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड 2 में, तो वहां पर भाई गोकू का जो इनोसेंस है वो तो खत्म ही हो गया है, जो मासूमियत है वो भी खत्म हो गया है। ऐसा लगता है कि कोई टपोरी बोल रहा है यार, मतलब जब जब मैं गोकू की वॉइस सुनता हूं लगता है भाई ये कौन टपोरी बोल रहा है, एकदम टपोरी वाला टोन आता है जैसा आपने सिवा देखा होगा वैसा। इनोसेंस भाई खत्म हो गया है और वेजिटा का जो टोन है उसका तो भाई जो प्राइड है वही खत्म हो गया है। ऐसा लगता है बार बार कि भाई नारुतो बोल रहा है। और मैंने देखा है कि कुछ सो कॉल्ड लोग हैं जो भाई जानबूझ के ये स्प्रेड कर रहे हैं, ये फैला रहे हैं कि नहीं नहीं डबिंग तो भाई बढ़िया है, तारीफ कर रहे हैं कि अरे यार मतलब झूठा तारीफ, कि अरे भाई बहुत अच्छा है, बहुत मस्त, जबरदस्त, 10 out of 10, मतलब सोच रहे हो 10 out of 10, जबकि वैसे इतनी ज्यादा घटिया है। मैं जान रहा हूं कि किड गोकू का वॉइस थोड़ा बहुत भाई काम चला हुआ है लेकिन वेजिटा का तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार, वो तो बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा यार। और यार फैंस ने भाई ऑडियो मैजिक और क्रंचीरोल को इतना ज्यादा सुनाया, इतना ज्यादा टैग किया, मेंशन किया कि ऑडियो मैजिक ने अपना भाई जो टैग लोग करते हैं वो ऑफ कर दिया कि कोई उनको मेंशन कर ही नहीं पाएगा। भाई बताओ, मतलब यार लोगों को यार तकलीफ सुनना चाहिए लेकिन नहीं, उन्होंने भाई अपना मेंशनिंग ऑफ कर दिया कि कोई उनको टैग ही नहीं कर पाएगा। क्या बोलो यार, कल मेरा स्टोरी पे भाई ऑडियो मैजिक ने क्रंचीरोल ने सारा मेरा स्टोरी देख लिया, जो भी मैंने डाला था, जो भी मैंने उनको क्रिटिसाइज किया था कि जो चीज भाई गलत है तो उस पे भाई आवाज उठाना चाहिए। जो हम हिंदी डब फैंस के लिए जो भाई मजा था ड्रैगन बॉल का हिंदी डब, अब वो भाई सजा बना दिया है भाई क्रंचीरोल इंडिया और ऑडियो मैजिक ने। पता नहीं किस जन्म की हमें सजा मिल रही है, इतना टॉर्चर डब हमें देखना पड़ रहा है। सीरियसली दिस इज नॉट अ हिंदी डब, दिस इज टॉर्चर डब। हमारा जो दूसरा अपडेट है ये भी ड्रैगन बॉल से लेकर है, तो आपको बताना चाहूंगा कि आज से ड्रैगन बॉल 1986 नहीं आने वाला, इसकी जगह पर ड्रैगन बॉल सुपर आने वाला है। तो ये बहुत ही ज्यादा बेकार बात है, लेकिन डोंट वरी, आने वाले कुछ टाइम में ड्रैगन बॉल 1986 शुरू हो जाएगा, तो आज से ड्रैगन बॉल सुपर को ही एंजॉय करो, दोबारा से यार रिवॉच करो, मजा आएगा। जो अगला अपडेट है ये है नारुतो से लेकर, तो आपको बताना चाहूंगा टीवी टोकियो जो कि यार फाइनेंशियल रिपोर्ट लाता है, तो उन्होंने बताया है कि 2024 का सबसे ज्यादा जो एनिमे का लाइसेंस बिका है, जिसका सेल हुआ है, तो पहले नंबर में है भाई नारुतो। नारुतो का बहुत ही ज्यादा भाई राइट्स बिका है भाई, और ये बात तो भाई सही है कि सोनी पे भी ये आया था और यार गजब का तहलका मचाया था। दूसरे नंबर में है बुरुटो, तीसरा नंबर में है यूकीहो, चौथा नंबर में है पोकेमोन और पांचवा नंबर में है ब्लैक क्लोवर। मतलब नारुतो तो भाई कमाल ही कर रहा है, मतलब बंद हो गया है लेकिन फिर भी उसका राइट्स भाई कमाल कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट है ब्लिश 1000 ईयर ब्लड वार पार्ट 3 के एपिसोड 7 से लेकर, तो बताना चाहूंगा कि इसमें 10 मिनट्स ज्यादा आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा फाइट सीन। नेक्स्ट अपडेट है आर्केन सीजन 2 पार्ट 2 से लेकर, तो ये रिलीज होने वाला है 16 नवंबर को, मतलब कि ये रिलीज हो चुका है।
नेक्स्ट अपडेट है वन पीस के मांगा से लेकर, तो ये वापस से भाई चला गया है ब्रेक पर। और ये ब्रेक पर भाई इसलिए गया है क्योंकि जो ओडा है उनकी तबीयत तो यार खराब हो गई है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि भाई क्या हुआ है उनको। तो देखो उनका जो बीपी है बढ़ चुका है, उनको डायबिटीज भी है, उनको ब्लड प्रेशर भी है, मतलब बहुत सारी भाई बीमारी हो गई है। और उनको ये बीमारी बहुत टाइम से थी, 2-3 साल से, लेकिन अभी हाल ही में बहुत ज्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से उनको यार ब्रेक लेना पड़ा। नेक्स्ट अपडेट है ब्लू लोक सीजन 2 एपिसोड 7 से लेकर, जिसका लीक इमेजेस बाहर आया है और साथ ही में ये भाई एयर भी हो चुका है कल के दिन। नेक्स्ट अपडेट है स्टेफनी नडोलनी से लेकर, जो कि भाई किड गोकू की इंग्लिश वॉइस एक्टर है, जो कि भाई वापस से आ चुकी है ड्रैगन बॉल डायमा में डब करने के लिए। तो उन्होंने बताया है कि जब उनको भाई पता चला कि ये दोबारा से इनको डब करने वाली है तो उनको बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। तो दोस्तों इस साल 3 एनिमे का मांगा भाई एंड हुआ है, माय हीरो एकेडमिया, ओसी नोको और जुजुत्सु काइसेन। तो आपके हिसाब से इन तीनों मांगा में से सबसे ज्यादा जो घटिया एंडिंग है वो किसका है आप कमेंट में बता सकते हो। ड्रैगन बॉल डायमा ने कोलैब किया है मैकडोनल्ड्स चिकन के साथ हांगकांग में। नेक्स्ट अपडेट है ओसी नोको से लेकर, तो इसका नया इलस्ट्रेशन बाहर आया है जिसमें रूबी को दिखाया गया है। अगला अपडेट है आन्या एक्स पोकेमोन का, तो इसका भाई एक्शन फिगर बाहर आया है। नेक्स्ट अपडेट है 2 डायमेंशनल सेड्यूशन एनिमे से लेकर, तो इसका इलस्ट्रेशन बाहर आया है। इसके बाद ब्रूटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स का चैप्टर नंबर 16 का एक स्नीक पीक बाहर आया है। अगला अपडेट है रानमा एनिमे से लेकर, इसका एपिसोड 7 से लेकर, तो इसका प्रीव्यू इमेजेस बाहर आया है। अगला अपडेट है ड्रैगन बॉल सुपर से लेकर, तो ड्रैगन बॉल सुपर 2 में जो ग्रेनुला का यार बैक स्टोरी था ये बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक था, जिसमें क्या क्या भाई अनबिलीवेबल भाई चीजें हुई, अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई, जैसे कि उसकी माँ को भाई मार दिया गया, फ्रीजा ने उसको भाई गुलाम बनाया था, और भी बहुत सारा भाई क्या क्या चीज हुआ था आपको यार स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पढ़ना है तो आप डिटेल में भाई पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अपडेट है डांडा डान के लेटेस्ट एपिसोड 7 से लेकर, तो आपको बताना चाहूंगा कि इसको भाई IMDB पर बहुत ही अच्छा भाई रेटिंग मिला है 9.5 का, और इसने ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वार एनिमे को भी सरपास कर दिया है, और ये बहुत ही ज्यादा भाई बढ़िया इसको रेटिंग मिल गया है, तो काफी अच्छी बात है। नेक्स्ट अपडेट है नारुतो से लेकर, तो आपको बताना चाहूंगा कि नारुतो के चुनिन एग्जाम में जिन्होंने भाई सॉन्ग किया था जिसका नाम है एशियन कंग फू जनरेशन, तो ये वापस से दोबारा से आने वाले एक एनिमे में ओपनिंग सॉन्ग देने के लिए जिसका नाम है फर्मेगिया। री जीरो सीजन 3 के एपिसोड 7 को भाई रेटिंग मिला है 9.6 का। डांडा डान एपिसोड 7 को भी भाई रेटिंग अब बढ़ गया, इसको भी रेटिंग मिल गया 9.6 का। नेक्स्ट अपडेट है ब्लैक क्लोवर के मांगा से लेकर, तो इसका नया चैप्टर जो है 374, 375 और 376, तो ये तीनों रिलीज हो चुका है। नेक्स्ट अपडेट है आर्केन से लेकर, तो बताना चाहूंगा कि जो आर्केन है नेटफ्लिक्स का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन चुका है, वो भी सिर्फ एक कंट्री में नहीं 60 कंट्रीज में इसको बहुत ही ज्यादा बढ़िया भाई रिस्पॉन्स मिला है। और साथ ही में आर्केन सीजन 2 का पार्ट 2 भी कल के दिन रिलीज हो चुका है, तो आप इसको देख सकते हो। अगला अपडेट है ओल्ड मैन रिकार्नेटेड एज अ विलेनेस, तो ये जो एनिमे है ये आने वाला है 9 जनवरी को, द मून ऑन अ रेनी नाइट, तो ये एनिमे को मिलने वाला है एडेप्टेशन, ये ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। जो अगला अपडेट है ये है ड्रैगन बॉल डाइमा के एपिसोड 6 से लेकर, तो ये भाई स्पॉइलर थोड़ा हो सकता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। तो जैसा कि आपको पता होगा कि एपिसोड 2 में आता है ग्लोरियो गोकू को ले जाने के लिए कि चलिए यार आप दानो लोक में और जो गोमा है उसको हराइएगा, लेकिन एपिसोड 6 में भाई मैं ये देख के शॉक हो जाता हूँ कि जो गोकू है वो ग्लोरियो पर भाई पीछे से अटैक कर देता है। आई डोंट नो भाई कि इन दोनों में क्या भाई लफड़ा होता है, क्या लड़ाई होता है, या ग्लोरियो धोखा देता है, आई सीरियसली डोंट नो, लेकिन मजा आएगा भाई देखते देखते कि क्या होता है आगे। लेकिन भाई मजा तो ऑडियो मैजिक वालों ने खराब कर दिया है, तो अब हिंदी में तो मैं भाई देखने वाला हूं नहीं, मैं अब भाई इंग्लिश डब में शिफ्ट होने वाला हूं, क्योंकि हिंदी डब को इन्होंने बर्बाद कर दिया इसलिए इंग्लिश डब में ही देखूंगा। लेकिन हाँ, अगर ये लोग वॉइसेस चेंज कर देते हैं किड गोकू और किड वेजिटा का, तब मैं भाई हिंदी में शिफ्ट हो जाऊंगा दोबारा से, लेकिन फिलहाल के लिए अब मैं इंग्लिश डब में ही देखूंगा। नेक्स्ट अपडेट है डेथ नोट से लेकर, तो डेथ नोट का जो गेम निकला है किलर विथिन, तो इसने सिर्फ 10 दिनों के अंदर से 1 मिलियन से ज्यादा का भाई सेल कर दिया है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। नेक्स्ट अपडेट है टोक्यो रिवेंजर्स के मांगा से लेकर, तो आज से 2 साल पहले ये भाई एंड हो गया था। दोस्तों जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मुझे एक चीज और पता चला कि डांडा डान का जो रेटिंग है अब और बढ़ गया है, 9.5 था, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ, और अभी फिलहाल में इसका रेटिंग हो चुका है 9.8, मतलब भाई बढ़ता ही जा रहा है, मतलब भाई क्या बोलूं मैं मतलब इतना बढ़िया भाई एपिसोड है एपिसोड 7। और हाँ, इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि म्यूज इंडिया पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डांडा डान का हिंदी डब आने वाला है फ्री में, जिनके घर में टीवी नहीं है, जिनके पास भाई पैसे नहीं है सब्सक्रिप्शन लेने का, जो क्रंचीरोल पर नहीं देख सकते हैं, जो कि पायरेट करके देखते हैं, और पायरेट करने में भी उनको भाई प्रॉब्लम होती है,
कि बहुत ज्यादा झंझट लगता है, ढूंढना पड़ता है, लेकिन अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। YouTube के म्यूज इंडिया चैनल पर डांडे डान का एपिसोड 1 हिंदी डब के साथ आ चुका है। जी हाँ, आ चुका है। तो जाइए, देखिए, एंजॉय कीजिए और एपिसोड 7 का आने का वेट कीजिएगा। उसमें आपको एब्सोल्यूट सिनेमा देखने को मिलेगा, द डेली लाइफ ऑफ अ मिडिल एज ऑनलाइन शॉपर इन अनदर वर्ल्ड। तो ये स्टार्ट होने वाला है जनवरी 2025 से। नेक्स्ट अपडेट है नॉइस मैन एनिमे से लेकर, जो कि हिंदी सबके साथ और इंग्लिश सबके साथ फ्री में अवेलेबल हो चुका है यूट्यूब पर, तो आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट है ए साइलेंट वॉइस एनिमे से लेकर, तो ये वापस से थिएटर्स में आने वाला है 15 दिसंबर और 16 दिसंबर को, जो कि इंग्लिश डब के साथ और जापानीज डब के साथ आएगा। नेक्स्ट अपडेट है हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन से लेकर, तो इसका जो लाइव एक्शन है इसका फर्स्ट लुक बाहर आया है। नेक्स्ट अपडेट है हाई स्कूल DxD के स्पिन ऑफ जूनियर हाई स्कूल DxD से लेकर, तो इसका बड़ा अनाउंसमेंट आज के दिन होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट है साकामोटो डेज से लेकर, तो बहुत सारे लोग भाई ऐसा प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि 2025 में ये बेस्ट एनिमे होने वाला है, और मुझे भी लगता है कि ये बेस्ट एनिमे हो सकता है। अगला अपडेट है स्पाई एक्स फैमिली के सीजन 3 से लेकर, तो आपको बताना चाहूंगा कि इसका भाई बड़ा अनाउंसमेंट भाई बहुत जल्दी होने वाला है और शायद से ये सीजन 3 होगा।